तो गेमर, जैसे कि आप लोग राइट साइड में कोने पर देख सकते हो, पैसा ही पैसा हो चुका है। तो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा कॉइन्स हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई यार इन कॉइन्स को थोड़ा सा स्पेंड कर देते हैं। एंड बाय द वे, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। एंड अभी फटाफट से हम यहाँ पे चलते हैं। भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार मैग्नम अपग्रेड करूँ, क्योंकि ये 8,000 कॉइन्स की है। एंड लेकिन यार लेवल 11 के अंदर इसमें कुछ खास है नहीं, फायर रेट बढ़ेगा बस उसका। एंड यहाँ पर मैं उसी के अंदर देखता हूँ तो यार मैक्स जूम, जो हमें मैक्स जूम मिलता है उसी का, वो यहाँ पर 4x हो जाएगा 3x से। तो मैं सोच रहा हूँ यार मैक्स जूम लेने में फायदा होगा या फिर अपनी मैग्नम का फायर रेट बढ़ाने का फायदा होगा। लेकिन गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपनी उजी को ही यहाँ पर अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि भाई जब 4x V हो जाएगा तो यार बेसिक सी बात है, बहुत सही रहेगा डुअल उजी भी, क्योंकि तो यहाँ पर हमने इसे कर लिया अपग्रेड। एंड देयर वी गो, 2000 कॉइंस बचे हमारे पास, 2000 से ज़्यादा हैं सिर्फ। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि भाई 2000 के अंदर कोई अपग्रेड हो तो भाई उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर है भाई हंटिंग पिस्टल का लोल, लेवल 7 की कर दी हमने यहाँ पर। दैट्स हाउ यू डू इट। तो गाइज बेसिकली आज हम एक और चैलेंज करने जा रहे हैं, जो कि गाइज एकदम ब्रांड न्यू चैलेंज है। आज हमें सिर्फ यार ग्रेनेड से बंदों को मारना है, घूसे मार सकते हैं लेकिन यार चक्कू उठा करके नहीं मार सकते, क्योंकि वो मेले के अंदर, तुम बोलोगे या भाई वो मेले के अंदर भी काउंट होता है, भाई वो मेले के अंदर काउंट होते हैं, लेकिन अगर मैं उसे उठा के मारूंगा तो वो मेले ओनली गेम प्ले बन जाएगा, ग्रेनेड का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा, मतलब ये। तो गाइज रूल्स आर सिंपल, ग्रेनेड से बंदों को मारना है, घूसे मार सकते हैं, चक्कू को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल और भी ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधे गेम प्ले की तरफ। तो क्या अभी फटाफट से ऊपर की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ पर एक बंदा स्पॉन हुआ, डेफिनेटली मेरे को मालूम था। एंड ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक नेट फेंक देता हूँ क्योंकि बंदा अंदर जरूर आएगा। दैट्स हाउ यू डू इट, गॉट दैट किल बॉयज, दैट्स हाउ यू डू इट। तो गाइज अगर तुम्हें कोई भी चैलेंज करना हो ना यार, तो भाई आउटपोस्ट मैप सबसे बढ़िया, क्योंकि बेसिक मैप है एंड सभी लोगों को मालूम होता है आउटपोस्ट के बारे में। एंड अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई कटर को कैसे चलाओगे तुम आउटपोस्ट के अंदर, अरे भाई ठीक है कटर तुम लोग वहां पर जाके कर लो कैटाकॉम्स में, लेकिन भाई बेसिक अगर कुछ चैलेंज कर सकते हो आउटपोस्ट के अंदर तो भाई उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ओके बहुत बक बक कर लिया, फटाफट से गेम पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर मेरे को गैस मिल गई है भाई, मर जा प्लीज, गिव मी दैट किल भाई। ऐसे बंदे भाई भाई क्या बंदा है भाई, मजा आ गया, ऐसे बंदे मिल जाएगा भाई चैलेंज तो, फिर चाहे कोई सा भी हो भाई साहब एकदम मक्खन की तरह जाएगा चैलेंज। फटाफट से यहाँ पे चलते हैं नीचे। ओ भाई भाई किसका नेट था, ये भी ग्रेनेड ओनली चैलेंज कर रहा है क्या भाई, हेलो। तो भाई यहाँ पे नीचे से एक और बंदा रहा, यहाँ पे नेट फेंकू क्या, फेंक लेता हूँ भाई, क्या क्या पता मर जाए। अरे भाई सर्वाइव, 1 HP है बंदा, मेले कर सकता हूँ ना। अरे यार मैं ऊपर जा ही नहीं सकता था, उसकी 1 AM बजे जा रही थी मेरे में, कैसे चला जाता। ओके गाइस अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही किल हो पाए हैं, कोई नहीं भाई चैलेंज बड़ा ही हार्ड है वाला, अगर तुम लोग ट्राई करना चाहो तो भाई ट्राई जरूर करना, बहुत ही तगड़ा चैलेंज है। एंड यहाँ पर फटाफट चलते हैं, चक्कू नहीं उठा सकता यार, अगर चक्कू उठा सकता ना मेले ओनली चैलेंज बन जाएगा फिर ये, लोल भाई। तो ग्रेनेड फेंका कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड यहाँ पर 2 के 2 ही किल हैं, उस बंदे के 7 किल हो गए। ऊपर से यार ये सड़ी हुई लोकेशन पे ये स्पॉन कर देते हैं मिनी मिल्च वाले, पता नहीं क्या है दुश्मनी। अरे भाई तू लैग क्यों कर रहा है भाई, मर जा यार प्लीज भाई, ये बंदा लैग कर रहा है बहुत। ओ भाई साहब कहाँ से मारी शॉटगन, नाइस शॉट बाय द वे। अरे भाई ग्रेनेड नहीं उठा सकता क्या, लोल। ओके से मारना पड़ेगा, ओके भागो भागो भागो। अरे नहीं गया गया गया, मेरे को लगा ही था भाई के जाऊंगा। हाँ भाई ये वाली लोकेशन तो भाई फिर भी ठीक है स्पॉन करने के लिए। एंड यहाँ पर भाई साहब उसकी 1 HP है, मैं शायद उसे मार सकूँ भाई, मेले कर दूँ एक बार तो मर जाएगा। आजा भाई आजा, मैं ही बैठता हूँ यहाँ पे, नहीं लगेगी मेरे को, रिलोडिंग पे है। ओके दैट्स हाउ यू डू इट, गिव मी दैट किल। यहाँ पर किल मिल चुका है, यहाँ पर एक और नेट फेंक देते हैं, नहीं मरेगा बंदा भाई साहब, डुअल उजी चला रहा है, मतलब शर्म नहीं है क्या। यहाँ पर तुम लोग दिख रहे हैं एक बंदा ग्रेनेड ही फेंके जा रहा है, बंदूक भी नहीं चला रहा, मतलब भाई डुअल उजी उठा के चला रहा है उसके ऊपर, लोल भाई। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से, एक और नेट फेंकते हैं। एंड भाई मर जा प्लीज, अरे भाई तुम लोग पीछे पड़ जाओ बस, मेरा ही पीछा करो सबके सब। अब देखो ये भी मेरे पीछे आएगा, लोल भाई, मतलब यार हद है, हर जगह बंदे बंदे ही बंदे, लोल। नेट नहीं है, अरे भाई यार नेट भी पड़ा होता है उसे उठा नहीं पाता मेरा बंदा, पता नहीं क्या दर्द है। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्श कर दे। ओके गाइस सो मैं यहाँ पे फिर से स्पॉन कर दिया गया। एंड उजी का भाई 4x जो व्यू है ना बहुत ही ज्यादा सही है, डबल उजी गेम प्ले होगा तो बहुत ही ज्यादा सही रहेगा 4x व्यू के साथ। एंड ये बंदा एक और लैग करते हुए, लोल भाई पता नहीं क्या ही सिस्टम है। जिस जगह अभी मैं स्पॉन हुआ इस जगह पहले बहुत ज़्यादा स्पॉन कैंपिंग चलती थी भाई साहब, मतलब यार तुम्हें निकलने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसी स्पॉन कैंपिंग होती थी। तो फटाफट से ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक ये बंदा जरूर आएगा मेरे पीछे, मेरे को लग तो रहा है। तो यहाँ पर इसे मार सकते हैं शायद, नहीं रे गलत चला गया नेड, एक और फेंकते हैं, मर जा प्लीज़, नहीं
लोल भाई बैठने वाली ट्रिक कर दी दीवार पे, लोल दैट्स आई डू इट। एंड स्नाइपर लेके निकलते हैं भाई, ये बंदा मार देगा मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। नेट फेंकते हैं, देखते हैं कुछ होता है नहीं, नहीं भाई वो नेट वही रहेगा। लोल भाई फटाफट से आगे इधर चलते हैं, तो यहाँ पर भाई ओके गैस उठा लेते हैं यहाँ से। आ जा भाई अब तू गया, डेफिनेटली आएगा भाई तू, डाय ब्रो। भाई साहब उसके अंदर से निकल के आ गया, अब तो मर जा भाई, देख रहे हो इसे कहते हैं किस्मत। मतलब यार वो बंदा मरने वाला था एंड उसने अपने ग्रेनेड से अपने आप को मार लिया, लोल भाई। मतलब भाई कैसे ही हो गया पता ही नहीं। तो फटाफट से नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ से उठाते हैं हेल्थ किट एंड लेट्स गो गेमर्स। शायद इस बंदे को मार पाए भाई, माइंड लेनी थी यार मेरे को। अरे लोल आर आई बी टू मी, अगर स्नाइपर चला देता ना डेफिनेटली ये बंदा मरता था, मेरे से बहुत आसान खेलता ये वाला। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर चार के चार ही किल हैं, चार किल से ना हम ऊपर गए, चार किल से ना हम नीचे गए। तो ये फटाफट चलते हैं, देखते हैं भाई यार किल तो मिल ही नहीं रहा भाई, किल तो बिल्कुल नहीं मिल रहे, मर जा कोई। ओ भाई वो लैंड हो गया मेरे ग्रेनेड के ऊपर भाई, इस बंदे के 18 किल्स हो चुके हैं। ये वाला मैच भाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज ग्रेनेड ओनली चैलेंज था एंड आज मैंने एक और मैच लॉस्ट कर दिया इस चैलेंज की वजह से। वरना फिर यार मेरे तो चैलेंजेस मतलब यार जो लॉस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं बहुत कम मैच हारा हूँ जी हाँ। तो यहाँ पर भाई ये वाला मैच हार चुके एंड कुछ भी नहीं मिला, गुइया मिला। बैटल पास अपना थोड़ा बहुत अपग्रेड हुआ, यहाँ पर 3 लेवल तक पहुँच गए हैं हम, दैट्स हाउ यू डू इट। अब तुम लोग बोलोगे भाई मेरा तो 30 लेवल हो गया था उसी दिन। हाँ भाई पता है तुम लोग कर लेते हो, मेरे पास टाइम नहीं रहता इतना करने के लिए, क्योंकि गाइज अभी मेरे 1 तारीख से प्री बोर्ड एग्जाम्स भी हैं एंड ऑल्सो मेरे फेयरवेल भी है, फेयरवेल में भी जाना है, थोड़ा बहुत एंजॉय करके आएंगे, मस्ती करके आएंगे। तो गाइज होपफुली सभी लोगों को गेम प्ले या फिर चैलेंज बोल लो चैलेंज गाइज पसंद आया होगा। एंड गाइज अगर पसंद आया तो तुम लोग भी जाकर के फटाफट से वाले चैलेंज ट्राई करना एंड कमेंट सेक्शन में आकर के बताना कि तुम लोग को ये वाले चैलेंज कैसे लगा। तो गाइज इसी के साथ फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।